आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर किसानों से जुड़ी हुई है। किसान आंदोलन पर देश की सबसे बड़ी खबर आप जान लीजिए। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है, और रणनीति अब ये बनी है कि कल लखनऊ में महापंचायत किसान करने वाले हैं। 26 नवम्बर को बॉर्डर पर एकजुट होंगे किसान और अपनी मांगे, जो मांगे बची हुई है 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के साथ ही जो बाकी मांगे हैं उन मांगों को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखने वाले हैं किसान। एमएसपी समेत 6 मांगों पर अभी भी किसान अड़े हुए हैं। सरकार से बातचीत पर मंथन होगा। इससे पहले भी किसान नेता कह चुके हैं कि जब 3 कृषि कानून वापस लिए हैं तो सरकार को बातचीत के रास्ते खोलने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, और बातचीत के जरिए जो और बाकी मांगे हैं उन पर भी बात हो ताकि हम घर लौट सके, घर वापसी हो सके और असल मायनों में आंदोलन खत्म हो सके। इससे पहले प्रकाश पर्व के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन किसान आगे की स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी में आगे महापंचायत में क्या होगा उसको लेकर बात होगी, साथ ही साथ अपनी बाकी मांगों को लेकर सरकार से बातचीत की मांग किसान कर रहे हैं।